हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। इसके पहले हमने एडिटिव इन्वर्स निकाला था, जिसमें हमें ऐसा नंबर ऐड करना था उस गिवन फ्रैक्शन या नंबर में जिससे हमें आंसर जीरो मिले। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपको दिए गए जो भी नंबर है उसके अंदर ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे आपको आपका जो आंसर है वो 1 मिले, राइट? तो जैसे पहला है ना, -13 दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज 1/13। 1/-13 कर देंगे तो -13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। दैट इज़ a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्या होता है a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही कंडीशन हमें सब जगह लगानी है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 क्या हो जाएगा, जस्ट हमें इस फ्रैक्शन को उल्टा करना है और कुछ भी नहीं, साइन में कोई चेंज नहीं, बस 13/19 है, ये हो जाएगा 19/13, साइन रहेगी यहीं पर। क्योंकि देखिए अगर ऐसा रखते हैं तो 13 से 13 कट गया, 19 से 19 कट गया है, तो क्या हो जाएगा, -1 -1 दोनों तरफ है, तो -1 कट जाएगा, मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5, तो मैं कर दूंगी सिर्फ 5 या 5/1। बात तो वही है, क्या करना है आपको, सिर्फ फ्रैक्शन को उल्टा करना है अगर फ्रैक्शन है तो, और अगर फ्रैक्शन नहीं है, कोई नंबर है, तो उसे 1/1 में लिख दीजिए उस नंबर को, राइट? तो वही हमने किया है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7, राइट? पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, पहले सॉल्व कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन में हमें एलसीएम कॉमन करने की, सेम करने की जरूरत नहीं होती, सीधे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ क्या होगा, 5 3 15, और दोनों इनटू, दोनों माइनस हैं तो हमारा ये पॉजिटिव आता है। जब दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है, राइट? तो 15 और 8 7 56 होता है। और अब इसका देयरफॉर एमआई ऑफ 15/56 इज इक्वल टू 56/15। क्या करना था, सिर्फ हमें फ्रैक्शन को उल्टा करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फ्रैक्शन को उल्टा करना है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे -1 × -2/5, तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं, -(-2/5), इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, और ये दोनों नेगेटिव थे इसलिए +2, 5 × 1 = 5। और अब देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 5/2, दैट्स इट। मैंने बताया जैसे एक सिंगल नंबर है, फ्रैक्शन तो नहीं है, फ्रैक्शन होता तो हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर को रेसिप्रोकल लिख देते उस फ्रैक्शन का, राइट? तो यहाँ पर भी आप रेसिप्रोकल ही लिख दीजिए, वही लिखना हमें यहाँ पे, -1 का रेसिप्रोकल आता है 1/-1, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 1/-1, यस। क्योंकि क्या किया मैंने, क्या बोला, अगर सिंगल नंबर है तो आपको 1/ में लिख देना है उस नंबर को, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और अगर फ्रैक्शन में है तो बस नंबर्स को इंटरचेंज कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर लिख दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर, और साइन में कोई चेंज मत कीजिए, अगर ऊपर साइन है तो साइन ऊपर ही रहने दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें बताना था, जो कि हमने यहाँ कंप्लीट किया है। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।